हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं लार ग्रंथि यानी सेलिवरी ग्लैंड्स के बारे में बता रही हूँ। जैसा कि दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में मैं सभी टॉपिक को कवर कर चुकी हूँ। जैसे कि पाचन तंत्र के पांच चरण कौन कौन से हैं, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एंड बहिष्करण, एंड पाचन तंत्र के सभी अंग जैसे कि आहार नाल में आने वाले मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत में कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, कौन कौन से क्रिया करते हैं, इसके बारे में बता चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप चैनल के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों एनाटॉमी फिजियोलॉजी के समस्त टॉपिक को पूरा कवर कर रही हूँ। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे किसी भी स्टेट का हो, TGT, PGT, KVS, NVS, CLT, उन सभी का प्रिपरेशन यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। उन सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, 100 से अधिक वीडियोज प्रीवियस ईयर MCQ क्वेश्चन पर बनाए गए हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका प्रैक्टिस करना न भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टॉपिक सेलिवरी ग्लैंड के बारे में जानते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारे मुख में ही सेलिवरी ग्लैंड्स पाया जाता है। जैसा कि हमारे मुख में 4 से 5% भोजन का पाचन हो जाता है, वो किसके कारण होता है? इन्हीं सेलिवरी ग्लैंड से निकलने वाले टाइलिन एंजाइम के कारण, ठीक है, लार ग्रंथियों से निकलने वाले टाइलिन एंजाइम के कारण। जैसा कि दोस्तों जो लार ग्रंथियां होती हैं, उनसे प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार निकलती है, और लार का पीएच मान जो होता है 6.5 से 6.8 होता है। जैसा कि दोस्तों हमारे शरीर में 3 जोड़ी यानी कि कुल 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी यानी 3-3 दोनों तरफ पाई जाती हैं। इसलिए क्वेश्चन आए कि हमारे शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो 3 जोड़ी, और कितनी पाई जाती है, तो 6, ये ध्यान में रखिएगा। तो इन तीनों जोड़ियों के बारे में जानेंगे। जैसा कि दोस्तों इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं, पैरोटिड ग्लैंड, पहला है पैरोटिड ग्लैंड जो जिसे कर्णपूर्ण ग्रंथि भी कहते हैं, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। दूसरा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो दूसरा सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, और तीसरा है सब लिंगुअल ग्लैंड जो सबसे छोटी लार ग्रंथि है। इसी के बारे में हम जानेंगे। यह लार ग्रंथियां दोनों तरफ 3-3 होती हैं, यानी कुल 6 लार ग्रंथियां होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे पैरोटिड ग्लैंड की। पैरोटिड ग्लैंड जिसे कर्णपूर्ण ग्रंथि कहते हैं, यह दोनों कान के पास स्थित ऊपरी जबड़े में होती है, जैसा कि चित्र में साफ साफ दिख रहा है। और यह पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। इसका स्त्राव स्टेंसन डक्ट नली द्वारा दोनों ओर ऊपरी जबड़े के दूसरे मोरल दांत के सामने खुलती है। जैसा कि दोस्तों पैरोटिड ग्लैंड के फूलने के कारण कान के पास मम्स हो जाता है, जिसे गलसुआ भी कहते हैं, और यह गलसुआ यानी मम्स पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है, जिससे पैरोटिड में सूजन, जलन व दर्द होता है। एंड दोस्तों दूसरा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो निचले जबड़े के दोनों तरफ पैरोटिड से छोटा यानी दूसरा सबसे बड़ा लार ग्रंथि होता है, इसे अधोहनु ग्रंथि भी कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, दोनों निचले जबड़े के दोनों तरफ। और इसका स्त्राव मुख के तल में जीभ के फ्रेनुलम के समीप से हार्टन्स नली द्वारा होता है। एंड तीसरा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड, जिसे अधोजिह्वा ग्रंथि भी कहते हैं। जैसा कि दोस्तों यह जिह्वा मूल के दोनों तरफ सबसे आगे वाले भाग में होता है, जिह्वा मूल के दोनों तरफ सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है, यानी यह जिह्वा मूल की दोनों तरफ होती है सबसे छोटी लार ग्रंथि, यानी जो हमारा मुख का तल है नीचे, जीभ जब उल्टा करेंगे तो वहां पर यह पाई जाती है। और इसका स्त्राव जो है वह मुख तल के छोटे छोटे छिद्र द्वारा होता है। तो दोस्तों ये हमने जाना तीनों लार ग्रंथियों के बारे में, कौन कौन सी लार ग्रंथियां होती हैं। तो हमने क्या जाना
कि मनुष्य में तीन जोड़ी यानी कुल छह लार ग्रंथियां होती है। कौन कौन सी? पैरेटिड ग्लैंड जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, दूसरा सब मैनिबुलर ग्लैंड जो दूसरी सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, तीसरा सब लिंगुअल ग्लैंड जो सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है। सबसे बड़ी पैरेटिड, सबसे छोटी सब लिंगुअल ग्लैंड होता है। एंड दोस्तों अब जानेंगे कि इन लार ग्रंथियों का कार्य क्या है। जैसे कि दोस्तों यह लार ग्रंथियां भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुणों से पाचन क्रिया में सहायता करती हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले जानेंगे भौतिक क्रिया में कैसे सहायता करती हैं। भौतिक क्रिया में इस क्रिया द्वारा यह मुख को नम रखता है तथा जीभ को साफ रखता है, जिससे यह खाए हुए भोजन को गीला व चिकना करके उसे सरलता से निगलने योग्य बनाता है। और रासायनिक क्रिया में कैसे सहायता करता है? रासायनिक क्रिया में इससे निकलने वाले टाइलिन एग्जाम जो है भोजन के रासायनिक पाचन में सहायता करता है। जैसे कि दोस्तों लार ग्रंथियों से निकलने वाले लार जो होता है वह तरल पारदर्शी क्षार युक्त पदार्थ होता है। इसमें 99.2% जल तथा शेष 0.8% में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट तथा कुछ मात्रा में म्यूसिन तथा एंजाइम्स भी रहते हैं। अब जानेंगे इस लार ग्रंथियों से निकलने वाले लार में क्या क्या पाया जाता है। जैसे कि दोस्तों लार में एंजाइम्स, स्लेष्मा यानी म्यूकस एंड जल पाया जाता है। एंजाइम्स में टाइलिन और लाइसोजाइम दो एंजाइम्स पाए जाते हैं। टाइलिन जो होता है यह भोजन के रासायनिक पाचन में सहायता करता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है तथा स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। टाइलिन को सेलेवरी एमाइलेज भी कहते हैं, क्योंकि जो आग्नाशय से निकलने वाला एमाइलेज एंजाइम होता है वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और टाइलिन भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, इसलिए इसको सेलेवरी एमाइलेज भी कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और जो दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या होता है? यह भोज्य पदार्थों के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता है। जैसा कि दोस्तों यह आंसू, लार, पसीना में भी पाया जाता है। एंड लार में और क्या पाया जाता है? श्लेष्मा यानी म्यूकस और जल। जो श्लेष्मा यानी म्यूकस होता है यह चिपचिपा पदार्थ, चिकनाहट देता है, ठीक है। जो श्लेष्मा होता है चिपचिपा पदार्थ होता है और यह क्या करता है? चिकनाहट देता है ताकि भोजन आगे बढ़ सके। और जल जो है भोजन को गीला बनाकर रखता है। तो दोस्तों हमने जाना कि सेलिवरी ग्लैंड्स क्या है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से इसके कार्य हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर किया कीजिए, जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हमारे दांत के कौन कौन से भाग होते हैं उसके बारे में जानेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में हमारे जीभ के बारे में जानेंगे, फिर हम अमाशय के बारे में जानेंगे, फिर बड़ी याद छोटी याद के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।